व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है डॉक्टर साहब। ईमेल अगे पढ़ते हाँ। बच्चा बच्चा जानता है कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान विच तैयार होंदिया हन। पाकिस्तान की अजकल अफगानिस्तान नाल अणबन है, पर भारत के अफगानिस्तान नाल अफगानिस्तान विच दर्जना कौंसलेट हन अते उस संबंध उस नाल संधि भी है, पर भारत ने कदी अफगानिस्तान नूं दोष नहीं दिता कि वह संसार की 90% हीरोइन पैदा करते हैं। कदे इन्होंने इसकी समगलिंग रोकने का कोई यतन नहीं किया। अफगानिस्तान नूं व्यापार लई दित्ती गई ट्रांजिट सहूलत नूं ड्रग समगलिंग लई इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि कराची के नेड़े तेड़े अते जिथे अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान नाल लगती है, ड्रग्स का जोर उत्थे ज़्यादा है। पाकिस्तानी पंजाब की जिहड़ी सीमा भारतीय पंजाब नाल लगती है, उत्थे इहदा जोर घट है। सो जिहड़ी ड्रग शिपमेंट अफगानिस्तान तो आउंदी है, वह कराची तो सीधा भारतीय टिकाने लई जांदी है। कि भारतीय खुफिया एजेंसियां जां ड्रग माफिए वल्लों सीधे तौर पर इस विच शमूलियत दे चांस ज़्यादा नहीं हन? ISI नालों भारतीय फौजी जेडे के किसी कुत्ते नूं भी सीमा पार नहीं करन दिंदे, कि इन्हां दी इस विच मिली भुगत तो बिना पंजाब विच ड्रग्स आउणियां संभव हो सकदियां हन? देखो ये बड़ा ये सारी डिस्कशन दा अहम ये पड़ा है। हाँ जी कि हुण जाहर है भी उन्होंने एक डिफेंड किया कि भी पाकिस्तान जां ISI तो ये उस कदर उदा इनवॉल्व होना ही जड़ा है वो इंडियन एजेंसियां दी फेल्योर दसदा है और वो नहीं है। पर इहदे तां हुण कोई शक नहीं है, जिहड़ी 600 करोड़ की ड्रग सिंथेटिक की गल मैं की है जिहड़ी जगदीश भोला इनवॉल्व है। वैसे शशिकांत जिहड़े साबका डायरेक्टर जनरल प्रिजंस ने उन्होंने एनुअल 60,000 करोड़ की ड्रग जिहड़ी पंजाब च बाहरों आती है, हुण इहदे च उन्हां दी बिल्कुल फिगर ठीक है। और इहनूं तां अमरीकन UN सारे जाणदे ने कि दुनिया च जिन्नी हैरोइन प्रोड्यूस हुंदी है उहदा 90% अफगानिस्तान च हुंदा है ओरिजिनेट। हुण अफगानिस्तान की जिहड़ी ड्रग है वह पंजाब च किवें पहुँच गई साडे च? सो उहदे च उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि अफगानिस्तान नूं पाकिस्तान ने, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उहदे नाल कोई समुंदर नहीं लगता। सो उन्होंने उन्होंने व्यापारक जिहड़ा ट्रांजिट राइट दिते हुए ने, ट्रांजिट हुंदा है वी तुसीं उत्थों निकास का हक रखते हो, थोड़ी बहुत उन्होंने पे करनी पैंदी है ऑक्ट्रॉय जां चुंगी तो वह निकल सकदा है। हुण जिहड़ी वड्डी पोर्ट है पाकिस्तान की, जिहड़ी जिहनूं अफगान भी यूज करदे ने और पाकिस्तान भी, वह कराची है। हाँ जी हुण जिहड़ा चीज़ कराची च आई और उन्होंने ये फैक्ट किया भी पाकिस्तानी पंजाब दे विच तुहानूं ड्रग्स नहीं मिलणगे, जे पाकिस्तानी पंजाब ही प्रोडक्शन होंगी ड्रग्स की जां उहदी सप्लाई लाइन होंगी फिर तो पाकिस्तानी साइड के उत्ते भी ड्रग्स होंदियां, लेकिन जां कराची च ने आले दुआले च तो जां जिहड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान का पाकिस्तान नाल लगता है उहदे नाल है जी। हुण जाहिर है भी और प्रोड्यूस जिहड़ी है हैरोइन और ड्रग्स अफगानिस्तान च हो रही हैं। हुण ट्रांजिट राउट का इस्तेमाल करके उहनूं कराची और दूसरियां थावां ते पहुँचा देंदे ने। हाँ जी हुण उत्थों जिहड़ा भारत ने अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी सरहद अफगानिस्तान की पाकिस्तान नाल लगती है दर्जना कौंसलेट खोले ने पिछले 10-12-15 दर्जना डजन उनकी गिनती भी नहीं। हुण उह किस काम लई खोले ने? कोई किहड़े इंडियन अफगानिस्तान च उत्थे टूरिज्म लई जांदे ने? उत्थे टूरिज्म लई जाणा है, चंगा भला इहनूं नहीं पता शाम नूं घर आना है कि नहीं आना। सो ये जिहड़े कौंसलेट ने इस काम लई खोले गए ने, एक पासे तां पाकिस्तान दे विच उह बलोचां दे हवाले नाल होए, सिंधियां दे होए, तहरीके तालिबान होए, इन्हां सारिआं दे जिहड़े कंडूट ने जां सेफ होम बणाए होए ने जिथे के वह लुकते भी ने, प्लैनिंग भी होंगी है, हथियार पैसा और दूजा भी है। और दूसरा काम इन्हें ही जड़े इन्हों बनाए हुए कौंसलेट ने जड़े बिल्कुल बॉर्डर के नाल लगते पाकिस्तान के बनाए ने, इन्हों ड्रग जी है पुश करन दे लई पंजाब दे विच भी इस्तेमाल किया जाता है। और अफगानिस्तान की ड्रग वाया पाकिस्तान ISI या पाकिस्तानी सोर्सिज राही नहीं है, ये मोर ये चांसिज ने कि यही जोड़े इंडियन कौंसलेट ने ये ने उस उतों तक पहुँचा के और फिर इंडियन पंजाब किमें पहुँच जाती है, क्योंकि जाहिर है कि बॉर्डर के उत्ते जे हूँ उत्थे इंडियन रॉ ऑपरेट कर रही है, उन्होंने कौंसलेट उन्होंने ओरिजिनेट कर रहे हैं। हाँ जी पाकिस्तान चो निकल गई और बॉर्डर इंडिया जोड़ा उतों पूरे के पूरे भरे भराए निकल जाते हैं, उद्दे थलड़े लैवल के बिक्रम मजीठिया होए, सुखबीर बादल होए, ये भी हथ रंगते हैं, पैसे बनाते हैं,
पर नैटवर्किंग जी है क्योंकि ओरिजिन ड्रग्स अफगानिस्तान है तो अफगान पाकिस्तानिया तो नहीं उस ट्रेड के हाथ रंगण देंगे सो अफगाना का मेन उस प्रॉफिट लेंदे हो गए इंडियन एजेंसीज उधरों भी उधरों ड्रग लेंदियाँ इधर बेच के पैसे बना सो ये जी गल समझ आने वाली है किसी भी कॉमन बंदे भी यह गल समझ आ सकती है जी हाँ जी अगे वीर जी लिखते हैं ड्रग्स तो इलावा जो दूसरा दोष पाकिस्तान से लाया जाता है वह यह है कि खालिस्तान की लहर में मुड़ उभारण पाकिस्तान यतनशील है मेरे ख्याल में ऐसा खालिस्तान की लहर में बदनाम करने लिए किया जाता है पर दलील की खातर जे ये मन भी लिया जाए कि उपरोक्त दोवें दलील तो उपरोक्त दोवें दलील आप विरोधी हैं क्योंकि किसी भी लहर की कामयाबी नौजवान पीढ़ी के सिर होंदी है जिन्हां दे पल्ले बुद्धि जनून ते काज प्रति वचनबद्धता होवे ना कि वह नशेड़ी होण हर देश की दिलचस्पी होंदी है कि दूसरे देश विच उन्हां प्रति नरम दलील रखण वाले लोग होण पाकिस्तान भी इदां ही चाहुंदा है मैं समझदा हाँ कि सिखां दी जिहड़ी पछमी पंजाब दे गुरुद्वारां राहीं जुड़ी हुई धार्मिक सांझ है उसनूं वरत के सिखां नाल सांझां वधाउण दा इच्छुक है पाकिस्तान यही कारण है कि पाकिस्तान विच सिखां दे धार्मिक स्थानां नूं हमेशा प्राथमिकता दित्ती जांदी है सिख यात्रुआं नूं विशेष प्रोटोकॉल दित्ता जांदा है अते पाकिस्तान सरकार दा यतन हुंदा है कि उन्हां दी खातर वध तों वध आरामदेह ते सुरक्षित बनाया जा सके सो पाकिस्तान नूं धार्मिक सिख ज़्यादा फिट बहिंदे हन ना कि नशेड़ी अते ऐशप्रस्त किस्म दे सिख अपनी सीमित पड़चोल अनुसार मैं ये कहना चाहवांगा कि नशेड़ी सिख पाकिस्तान का कोई भी मकसद हल नहीं करते मैं तुहाडे विचारां नाल सहमत हाँ कि भारत सरकार जाण बुझ के सिख कौम नूं ड्रग्स नाल तबाह कर रही है इस तरह वह एक तीर नाल दो शिकार करते हैं इसनूं पाकिस्तान दे सिर मड़ के सिखां मुसलमाना विचकार संबंधां विच कौड़ पैदा करना अते सिख कौम दी ड्रग्स राहीं बर्बादी सिखां वल्लों बीते विच अते अज वी भारत लई कीतियां गईयां महान कुरबानियां दे बावजूद इंडियन स्टेट सिखां कोलों इन्ना क्यों डरदी है इस दी मैनूं समझ नहीं पर एक गल मैनूं स्पष्ट है कि बफर स्टेट खालिस्तान इस खित्ते दे लोकां लई एक वरदान साबित होवेगी मैनूं आस है कि सिख एक ना एक दिन इसनूं हासिल करनगे अते हिंदुआं ते मुसलमानां विचकार एक पुल बन के खलोणगे अपना ध्यान रखना अते तुहाडे संघर्ष लई बहुत बहुत शुभकामनावां देखो मैं समझदा भी वीर लव आईकॉन जिन्होंने अपनी आई डी रखी है ये ईमानदार सज्जन ने इन्होंने इस गल तो भी इनकार नहीं किया भी साडी सिखां दे विच दिलचस्पी है जी फिर उन्होंने भी उन्होंने कहा कि भी कोई भी देश खास तौर पर गुआढ़ी देश चाहता है भी दूसरे देश विच उदे नाल हमदर्दी रखण वाले उस प्रति नरम दिली रखण वाले लोग हों जी सो जाहिर है कि भी सिखां दी अहमियत है भारत दे विच भी वो एक अहम कौम ने फौज दे विच ने साडा बॉर्डर भी लगता है सो पाकिस्तान जरूर उन्होंने कहना यही चाहिया भी असीं जरूर विनओवर करना चाहते हैं सिखां नूं जी ताकि सिखां दे नाल साडी सांझ बने और असी साढ़े प्रति वो नरम गोशा रखा पर उन्होंने कहा भी असी इस सांझ नूं बनाने लई नशे का इस्तेमाल क्यों करांगे नशेड़ी बना के जिहड़े नशेड़ी और बिल्कुल टुटे हुए लोग ने वो साडा किहड़ा परपज सर्व करनगे इस दे उल्ट उन्होंने कहा भी साडे कोल जिहड़ा गुरद्वारियां दा फैक्टर साडे कोल है क्योंकि वैसट पंजाब दे विच ननकाणा साहिब पंजा साहिब करतारपुर साहिब 170 तो ज्यादा गुरद्वारे इतिहासक गुरद्वारा साहिबान और साड़ी दिलचस्पी तो इस गल च है भी असी इन्हों गुरद्वारों डिवेलप करिए सिख संगत जो ने वो तो वो सहूलत देिए सुरक्षा देिए उन्होंने असी बेस्ट प्रोटोकॉल देंगे उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं ताकि उन्होंने साढ़े प्रति जी है वो एक चंकी भावना पैदा हो कोई शक नहीं है मैं समझदा भी जिन्या सहूलत और जिस तरीके सिखा उल किया जाए ये गल दूसरे हूँ हिंदू भी उत्थे माइनॉरिटी ने ईसाई भी माइनॉरिटी ने ईवन ये सहूलत उन्होंने भी नहीं दिखाई जाती और इस बारे वो कद कह झिझकते भी नहीं ने कि भी वो सिखा का दिल जितना चाहते हैं सो ये कहने बाद उन्होंने कहा कि भी जे और ये जो एक फैक्टर उन्होंने नहीं किया दूसरे उन्होंने उत्थों वाले कहते हैं कि जी साडा ये जिथे गुडविल दिलचस्पी है असी चाहते हैं भी गुरद्वारे जड़े ने साडे लई एक फॉरन एक्सचेंज का साधन भी बन
व्यापार का भी, क्योंकि जो लखा सिख आए बहरले मुल्क तो जो प्रोस्परस ने डायस्पोरा सिख आते ने खर्चन गए भी उत्थे व्यापार भी डिवेलप होएगा और वह तो इनकरेज करते हैं कि सिख उत्थे माड़े मोटे जो कारोबार भी शुरू कर पाकिस्तान दे विच इकोनॉमिकल जिहड़ी प्रोग्रेस है उस दे विच भी सिख अपना कंट्रीब्यूट कर सकन। उन्होंने बाकी ये बिल्कुल ठीक किया कि भी ये जिहड़ा दूसरा इल्जाम सिखा जिहड़ा पाकिस्तान ते लगता है कि जी ये खालिस्तान की हमायत करते हैं भी ये तो बदनाम करन लई है कि भी एक पासे तुसी भी आपा विरोधी ने दोनों एक पास तुसी कह रहे हो भी नशेड़ी पैदा कर रहे हैं दूजे पास तुसी कह रहे हो जी खालिस्तान की हुण तंदुरुस्त बंदा जा बावकार धार्मिक बंदा तो खालिस्तान लई तुरेगा नशेड़ी तो कम जां तां इह कहो जां उह कहो। सो ये भी उन्होंने एक वकीलों की तरह चंगा नुकता लभ्या और अखीर दे विच उन्होंने जिहड़ा खालिस्तान की स्टेट बफर स्टेट ही शब्द उन्होंने वरते है उहदे लई उन्होंने शुभकामनावां भी दित्तियां ने और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और उन्होंने लिखत दे विच किते भी तुहानूं एंटी हिंदू बायस नहीं मिलता किते ये भी नहीं है कि ओवर पैट्रियोटिक प्रो पाकिस्तान लाइन होए उन्होंने एक निरपक्ष जिवें एक बंदा बैठ के गुजार है साड़ी हमदर्दी खालिस्तान नाल है वह पाकिस्तानी ने पाकिस्तान होनी भी चाहिए है जिहड़ा बंदा अपने इस आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है पर उन्होंने अल्टीमेटली यह कंकलूड किया कि यह खिते दे लई बेहतर होएगा रीजन खिता से रीजन नूं कहिंदे आ हुण इत्थे कौम का सवाल सारे साउथ एशिया लई ये बफर स्टेट खालिस्तान होए और उन्होंने सिखां दे एक लाइन जिहड़ी अखीर दे विच जिहनूं बहुत सारे वैसटर्न स्कॉलरस भी रैकगनाइज करते हैं कि सिखिज़म एक ब्रिज सी या ब्रिज है जिहड़ा कि हिंदुइज़म और इस्लाम इन्हां दोनों जिहड़ा एट बे भी रखता है क्योंकि पुल दे नाल इह तां नहीं हुंदा वी तुसीं दोनों नूं जोड़ दिंदे हो पुल दे राहीं ही तुसीं जुड़ते हो। साडा सिख धर्म दे विच असीं हर धर्म का सत्कार करते हैं कोई साडा जे 17वीं 18वीं सदी स्ट्रगल दी रही पोलिटिकल स्ट्रगल वह कोई इस्लाम के खिलाफ तो नहीं सी जुर्म के खिलाफ सी जे अज भी साडी स्ट्रगल है खालिस्तान दे लई वह कोई हिंदुआ के खिलाफ तो नहीं है वह इंडियन स्टेट के खिलाफ है और यही जिहड़ी साडी ब्यूटी है कि जे हरिमंदर साहब का नींह पत्थर साईं मियां मीर तो रखवाया जाता है और सांझ दी गल है सिख राज अपने आप दे विच इस गल दा सबूत है कि किवें सिखां ने हिंदुआं और मुसलमानां उन्हां दे नाल इक्वली पावर शेयर कीती। सो इन्हां हालातां च और जो पिछले 66 साल च भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर दे मुद्दे ते 4-5 लड़ाईयां फिर वह उधर जाके अपना कोई शरारत करते ने वह इधर आके करते ने सो मतलब यह है भी दोनों एक दूजे तो खौफजदा भी ने डरते भी ने और उस दे नाल नाल एक दूसरे तो नफरत भी करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी किया भी सिखां दी इन्नी कुरबानी है हिंदुआं दे लई भी इंडियन स्टेट लई भी पर पता नहीं क्यों इंडियन स्टेट डरती है सिखां तो उन्होंने कहा भी मैनूं नहीं इहदा जवाब पता भी क्यों डरती है पर एक गल उन्होंने कहा भी जिहड़ा हल है अल्टीमेटली जे दोनों दे विच कोई पुल बन सकदा तो सिख ने जां खालिस्तान है एक बफर स्टेट के तौर पर। सो मैं समझदा हां भी इन्होंने इन्हां दी काफ़ी हफ्तियां दी आई हुई ईमेल सी क्योंकि लंबी सी मैनूं भी पता सी भी इन्हें बाकी ईमेलों का टाइम भी खा जाना है पर क्योंकि अल्टीमेटली डिले करते करते भी मैं ये लग्या भी नहीं है इशू जिहड़ा उन्होंने लियांदा है और जिसनों इंडियन गवर्नमेंट मीडिया अपने ढंग नाल प्रोपेगेट करती है जी। एक पाकिस्तानी एंगल तो जिदे च मैनूं लगता है भी काफ़ी बैलेंस है उन्होंने इस सारी गल नूं लियांदा असी इन्हों का धन्यवाद करते हैं और इन्हों तो ये जरूर आस करते हैं भी लिखणगे पर गुजारिश भी करते हैं कि थोड़ा जिहा अपनी लिखत नूं जे उस संकोच लैण ब्रीफ कर देण मुख्तसर कर देण ते साडे लई फिर बाकियां नूं अकोमोडेट करना भी सौखा हो जांदा जी। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स हुण समां हो गया है ब्रेक दा तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहो मिलदे हां एक छोटे जिहे ब्रेक तों बाद।